हिंदी बाइबल हो तो मदद करो रीड करने में हिंदी में ये वचन। दूसरी इतिहास 32:32 वचन आठवां। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है, इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। तो ये हिजकिय्याह के बारे में लिखा गया है। हिजकिय्याह जो राजा था तो उन्होंने ये साक्ष्य दी थी, हमारे पास तो प्रभु है, उनके पास तो क्या है, फ्लैश। With him is only the arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us to fight our battles. ऐसे साक्ष्य दी थी। तो हिजकिय्याह जो था वो एकदम डर गया था, उसके अगेंस्ट में दूसरी सेना जो आ रही थी, एसरियन किंग कॉल्ड सेनाचेरिब, उसने उसके दूसरे किंग जो थे एसरिया के, नॉर्दर्न किंगडम को ऑलरेडी वहाँ लेके गए थे, कैप्टिव बंदी बना के ले गए थे, और सदर्न किंगडम जो जूडा था उनको भी अभी मतलब लेके जाने वाले थे। लेकिन ये हिजकिय्याह जो राजा था वो यहोवा में बिलीव करता था। तो ये साक्षी देखो, मुझे बहुत इंकरेजमेंट लगता, मैं तो ये इतिहास पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जो राजे थे, राजे कैसे मतलब उस जमाने में प्रभु के शक्ति से, ना कि खुद के सामर्थ्य से, उनके पास भी सेना थी, फिलिस्टाइन्स भी आते थे लड़ने के लिए, लेकिन वो प्रभु पर निर्भर रहते थे और उनको कुछ करना भी नहीं पड़ता था। कुछ महीनों पहले मैंने यहोशाफात के बारे में बताया, उन्होंने एक हाथ भी नहीं उठाया और प्रभु ने वो जो तीन सेना आ रहे थे उनको आपस में झगड़ा करके वो लोग मार गए, और ये लोग इसराइल वहाँ का जो भी है उठा के लेके आ गए, वो जीत गए इसराइल बिना कुछ किए। और हिजकिय्याह ने भी ये जो कहा वो बाद में जो सेनाचेरिब कैसे हार गए, सिर्फ आइज़ाया जो प्रॉफिट था उनको बुलाया, प्रार्थना किया, वो तो है इसमें, आगे सब चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। और जो राजा था वहाँ दूसरे दिन जो जाके देखते हैं सब मर गए, जो से ये जो था ना सेनाचेरिब उसके जो भी हजारों उसके सैनिक थे सब मर गए रात में। वो वचन में इसलिए एंजल ऑफ द लॉर्ड केम एंड डिस्ट्रॉयड देम, इसने क्या किया, खाली प्रे किया, क्या प्रे किया था, दे हैव द आर्म ऑफ फ्लेश, वी हैव द लॉर्ड आवर गॉड ऑन आवर साइड, बस यही प्रे किया, दे हैव द आर्म ऑफ फ्लेश, वी हैव द लॉर्ड। ब्रदर स्टॉप फाइटिंग ऑन योर ओन, जस्ट से दैट सल्वेशन इज ऑफ द लॉर्ड, लॉर्ड विल गिव अस द विक्ट्री। आई वॉज अ थर यू नो sinner born in the depths of sin, अश्लील चित्रों में गिरा एक जमाने, लेकिन प्रभु ने सब चेंज किया। मैंने सिर्फ प्रभु में विश्वास रखा, प्रभु को बोला प्रभु मैं इसमें गिर रहा हूँ, इसमें पाप में गिरता रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ निराशा मिलती है, जब जस्ट टेम्पररी आज़ादी मिलती है, मुझे परमानेंट आज़ादी चाहिए, ये नहीं मुझे पसंद है। तो प्रभु विक्ट्री देता है। आज देखो तो मतलब ये जो इंटरनेट पोर्नोग्राफी जो आजकल चलती रहती है, तुम लोग स्ट्रगल करते हो, ये कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट आर्म ऑफ फ्लैश। आज द लॉर्ड टू डिलीवर, जस्ट आज द लॉर्ड, लुक टू द लॉर्ड, ही विल हेल्प, जस्ट इन दैट मोमेंट ऑफ टेम्पटेशन एंड अर्जेस वेयर यू सैटिस्फाई योर अर्जेस, जस्ट लुक टू द लॉर्ड, ही विल सैटिस्फाई योर अर्ज। दैट्स व्हाट आई डिड एंड दैट्स व्हाई आई वेंट अवे फ्रॉम माय लाइफ। Can be a matter of jealousy, or pride, or arrogance, or whatever you want to take. These kings, they won the victory battles without even fighting, without even, you know, going out. Just prayed and the enemy was destroyed. You know, Sennacherib जब ये हारते हैं, मुंह उसका गिर जाता है, वो चाहता है वापस देश में, उसके बच्चे लोग ही उसको मार डालते हैं। कैसे थे ये सब हो गए? So see how the Lord works. वो यहोशाफात भी जीता था, वो सब लेके जाते हैं, प्रेज से वो लोग हालेलुया थैंक यू प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, और वो बैटल जीत जाते हो, एनिमी उधर झगड़ते आपस दूसरे में वॉर होते हैं, और ये लोग
प्रेजेस लेके जाते हैं। तो ये हमको अपने टेम्पटेशन ट्रायल में लुक टू द लॉर्ड और हालेलुया थैंक यू एंड प्रेज बोलना है, ना कि अपने इसमें अपने जो वासनाएं होते हैं जो खींचते हैं उसमें उसमें आसानी से गिरना है, वैसे नहीं जाना है। अपने को बोलना है लॉर्ड यू आर गोइंग टू हेल्प मी, दिस इज जस्ट अ फ्लैश बट यू आर ग्रेटर देन द फ्लैश, दिस इज जस्ट अ सिन बट यू आर बिगर देन माय सिन, ये बोलना है। और ये प्रोत्साहन मिलती है जैसे ब्रदर विजय ने, हम तो फ्रस्ट्रेट हो गए लाइफ से, कौन विक्ट्री देगा, लॉर्ड ही देगा। हेजेकिया फ्रस्ट्रेट हुआ था, नॉर्दर्न किंगडम तो चले गए, यहाँ पर ये हमको भी लूटने आ रहे हैं। लॉर्ड ही टोल्ड दिस टू द एंटायर पीपल, ही हैज द आर्म ऑफ फ्लैश, उनके पास सेना है, बहुत लोग हैं, हमारे पास कोई नहीं, बट वी हैव लॉर्ड एंड लॉर्ड आर गॉड, बिकॉज इसराइल के पास वो मंदिर था जहाँ प्रभु वास करते थे, उनके पास वचन था। और हेजेकिया एक बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट किंग थे, जो ये सब पुराने किंग जो गिर गए थे उन्होंने सब सफाई लाई थी, सबको हटाया था जो आइडल वर्शिप था और सब क्लीन किया था और सिर्फ मंदिर की स्थापना की थी। तो यही अपने जीवन से जो भी है अपने को बोलना है। सेटन जैसे रोमियंस में पढ़ते हैं 6:23 है ना, सिन शैल नॉट बी मास्टर ओवर मास्टर यू, सिन विल नॉट हैव मास्टर विल नॉट बी मास्टर ओवर यू, we have the Lord on our side. So we have to say that, Lord, tell the devil, tell that. Many times we say, no, to Lord Jesus, Lord Jesus, I am just defeated, I am nothing, मैं तो हार गया हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं तो तुम आज से devil से बातें करो, क्या बोलो? Devil, तुम मेरे ऊपर अभी तो विजय पा रहे हो, लेकिन एक दिन नहीं पाओगे, मैं तो ये बोलता हूँ। मैं जीसस से भी नहीं प्रार्थना करता हूँ, डेविल को बोलता हूँ, जीसस स्पीक टू द माउंटेन एंड द माउंटेन विल मूव, नॉट प्रे टू द माउंटेन, थिंक अवर माउंटेन टू मूव, आई थिंक लस्टिंग एंड ऑल दिस थिंग लाइक माउंटेन्स, स्पीक टू द माउंटेन, स्पीक टू द डेविल एंड सी द चेंज। हालेलुया।